गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज के वीडियो में मैं एक बहुत ही अच्छा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हेयर मास्क शेयर करने वाली हूं जो कि राइस से बना हुआ है। अब राइस के बारे में पता ही है राइस कितना बेनिफिशियल होता है बालों के लिए स्किन के लिए। जब से लोगों ने कोरियन स्किन केयर हेयर केयर रूटीन फॉलो करना शुरू किया है तब से राइस को बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है स्किन केयर हेयर केयर प्रोडक्ट में और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। बहुत तरीक़ों से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा राइस वाटर बहुत अच्छा होता है बालों की ग्रोथ के लिए। ऐसे ही आज मैं एक हेयर मास्क राइस से बनाने वाली हूँ जो कि ना ही सिर्फ आपके बालों को शाइनी बनाएगा क्रिस्पी बनाएगा बल्कि आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा। अगर आप इसको रेगुलर यूज़ करते हैं हेयर फॉल का प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा। बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बना हुआ है। तो अगर आप भी अपने बालों को सिल्की स्मूथ बनाना चाहते हो और आप चाहते हो कि घर बैठे ही आपके बालों में एक ट्रीटमेंट मिल जाए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसको बनाने के लिए चाहिए राइस, तो घर पे जो चावल आप यूज़ करते हैं वही ले सकते हैं और एलोवेरा जेल, तो आप प्लांट वाला एलोवेरा भी ले सकते हैं और मार्केट वाला भी और कोकोनट। तो ये तीनों इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके बाद चावल को अच्छे से वॉश कर लेंगे और फिर जैसे कि हम चावल खाने के लिए पकाते हैं वैसे ही इसको पका लेंगे, मतलब हमें पके हुए चावल चाहिए। तो आप तीनों इंग्रेडिएंट्स को जार में ले लेंगे और अच्छे से फाइन ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद ये जो मिक्सचर है कुछ ऐसा बन जाएगा। ये मास्क आपका तैयार हो गया। अब मास्क को लगाने के लिए आप अपने बालों को अच्छे से सुलझा लीजिए, टेंगल फ्री होने चाहिए बाल। अब बालों को थोड़ा सा गीला कर लेंगे जैसे कि मास्क अच्छे से पूरे बालों पर लग पाए। जब भी आप इस मास्क को लगाएं आपके बाल बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। अगर आपके बालों में ऑयल लगा है या काफ़ी दिन से आपने बाल वॉश नहीं किए हैं तो फिर वॉश करके इस मास्क को अप्लाई करें। अप्लाई करने के बाद आप इसको शार कैप से रैप कर सकते हैं और बालों को माइल्ड शैम्पू से धो लीजिए। इतना आसान था इस मास्क को बनाना। बस आपको चावल चाहिए, एलोवेरा जेल चाहिए और कोकोनट चाहिए। कोकोनट नहीं भी हो तो आप एलोवेरा जेल और जो राइस है आप उससे इस मास्क को बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ इसको महीने में एक दो बार यूज़ करोगे तो ये आपके बालों को क्रिस्पी बनाएगा, डलनेस दूर करेगा, बालों को शाइनी बनाएगा और बालों को सिल्की बनाएगा। पर अगर आप इसको सप्ताह में कम से कम एक बार यूज़ करते हो तो ये आपके हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करेगा, आपके हेयर फॉल को भी कम करेगा, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम है उसको दूर करेगा, मतलब आपके ओवरऑल जो बालों का हेल्थ है उसको ठीक करेगा। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना बिल्कुल क्रीम के जैसी होनी चाहिए, इसमें कोई भी ग्रैन्यूल नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई बारीक बारीक ग्रैन्यूल्स हैं तो आप उसको छान लीजिए या फिर से आप पानी डाल के इसको एक बार और ग्राइंड कर लीजिए। मतलब इसकी जो कंसिस्टेंसी है जो मार्केट की क्रीम मिलती है ना वैसे ही होनी चाहिए। और अगर आपने ग्रैन्यूल वाला जो मास्क अपने बालों पर लगा लिया ना तो क्या होगा, आपको हेयर वॉश करने में बहुत प्रॉब्लम जाएगी, मास्क आपके बालों से निकलेगा ही नहीं और आपको बड़ी उलझन होगी। इसको बहुत ज़्यादा देर तक लगा के नहीं रखना है, कम से कम 30 मिनट्स और ज़्यादा ज़्यादा 1 घंटा। ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे तक लगा के रखो तो आपके बाल बहुत ज़्यादा कड़क हो जाएंगे और फिर आपको हेयर वॉश करने में स्ट्रगल करना पड़ेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिए।
तो आजकल पार्लर जाने में सभी को बहुत ज़्यादा डर लगता है, पार्लर तो हम जाते ही नहीं हैं, तो एक ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप घर बैठे अपने बालों को एक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, अपने बालों को आप हेल्दी बना सकते हैं, तो इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपका एक्सपीरियंस इस मास्क के साथ कैसा रहा मुझे कॉमेंट करके ज़रूर ज़रूर बताना। और सच में बहुत अच्छा काम करता है, मतलब आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नज़र आएंगे। इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा पैसे खर्च भी नहीं होंगे और ज़्यादा टाइम भी खर्च नहीं होता है, तो इसको ज़रूर ज़रूर ट्राई करना। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो आप मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।